मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा उपयोग किया है और इस क्रम में उसने प्रकृति से इतना छेड़छाड़ किया है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और प्रकृति के इस बिगड़े संतुलन का असर अब दिखने लगा है। हाल ही के कुछ सालों में इतने भीषण प्राकृतिक आपदाएं आई हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने ऊपर हो रहे मनुष्य के इस अत्याचार का बदला ले रही हो। कुछ ऐसी ही घटनाएं इस साल 2018 में भी हुए हैं, पर ये घटनाएं ऐसी हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग ये सारी घटनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फरवरी के एक ही महीने के दौरान हुई हैं। और सबसे आखिरी घटना के बारे में मैं जो आपको बताऊंगा, उसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और यह घटना हमारी धरती को जैसा हम जानते हैं उसे हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। 4 फरवरी 2018, नॉर्थ वेस्टर्न अर्जेंटीना में अचानक हुई भारी वर्षा के कारण भयानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और कुछ हिस्सों में पानी का स्तर एक दिन में ही 5 फीट से ज्यादा पहुंच गया। अर्जेंटीना की एक मुख्य नदी पिल्कोमायो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज जैसे कि घर और गाड़ियों को बहा ले गया। इस बाढ़ के पानी और भूस्खलन की वजह से लगभग 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इस बाढ़ का असर पड़ोसी देश बोलिविया में भी देखने को मिला, जहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अब तक आपको लग रहा होगा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है जो हर साल कहीं ना कहीं होती है, पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह रोज रोज या हर साल नहीं होती। जहां साउथ अमेरिका बाढ़ की चपेट में था, वहीं यूएस टेक्सास शहर में जो हो रहा था वह सबकी सोच से परे था। 6 फरवरी को यहां हजारों की संख्या में काले पक्षियों ने लोगों पर हमला कर दिया, पर स्थानीय विभाग के अनुसार ये पक्षियां किसी पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि ये अपने नियमित समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करने की तैयारी कर रहे थे। पर प्रत्यक्षदर्शियों का अनुभव कुछ और ही कह रहा था। उनके हिसाब से ये पक्षियां झुंड बनाकर कहीं पलायन नहीं कर रहे थे, वे हवा में दिशाहीन इधर उधर उड़ रहे थे और लोगों और चीजों से टकरा रहे थे, और इस वजह से माहौल बहुत ही भयानक लग रहा था। और पक्षियों के इस अजीब व्यवहार का स्पष्ट कारण किसी के पास नहीं था। इस घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि दुनिया के दूसरे हिस्से में पूर्वी ताइवान के हिवालिन शहर में 6.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया। ये भूकंप आधी रात के वक्त आया, जिसमें कई बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोगों की जानें गईं। ये इस शहर की पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी 4 फरवरी को भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए थे, ठीक उसी दिन जिस दिन अर्जेंटीना में भारी बारिश शुरू हुई थी। अगर आपको ये संयोग भयानक लग रहा है तो आगे आने वाली घटनाएं आपके डर को और भी बढ़ा देंगी। जिस दिन ताइवान भूकंप की प्राकृतिक आपदा झेल रहा था, ठीक इसी दिन इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी, क्योंकि यहां आए अचानक बाढ़ में कई घर बह गए थे और 6,500 लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा और कई लोग लापता हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये बाढ़ अब तक कई दशकों में आया सबसे भयानक बाढ़ था। आइए अब वापस चलते हैं अर्जेंटीना। अभी ये देश बाढ़ से उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि 8 फरवरी को अचानक कोर्डोबा शहर में ओलों की बारिश होने लगी। शुरू में यह आम ओलों की बारिश जैसा ही लग रहा था, जिसमें आसमान से छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, पर धीरे धीरे इनका आकार बड़ा होने लगा। कुछ ओलों का आकार तो 6 से 7 इंच तक का था और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन ओलों का आकार और भी बड़ा था, जो धरती पर गिरने से टूटकर छोटे लग रहे थे। यहाँ का माहौल किसी डरावनी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था आसमान से बड़े बड़े पत्थर बरस रहे हों। इस ओलों की बारिश ने यहाँ बहुत तबाही मचाई और कई लोगों को घायल भी कर दिया। इस घटना के 5 दिन तक धरती ने राहत की सांस ली, पर 13 फरवरी को प्रकृति का तांडव फिर से शुरू हो गया। पैसिफिक सागर में एक बहुत बड़े साइक्लोन ने जन्म लिया, जिसे गीता का नाम दिया गया। इस तूफान में हवा की अधिकतम गति 205 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
इस तूफान ने द्वीप देश टोंगा में भारी तबाही मचाई और इसके राजधानी टोंगा टापू शहर में 74% घरों को तबाह कर दिया। ये तूफान यहीं नहीं रुका, ये वनताओ फीजी होता हुआ न्यूजीलैंड तक पहुंचकर वहां भी भारी तबाही मचाई और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी। जब ये हो रहा था तब दुनिया का दूसरा हिस्सा इराक भी बाढ़ की चपेट में आ गया। भारी बारिश की वजह से यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और इस बाढ़ का असर पड़ोसी देश लेबनन, सीरिया और टर्की में भी देखने को मिला। जहाँ दुनिया के एक हिस्से में बाढ़ और तूफान का आतंक था, वहीं दुनिया का दूसरा हिस्सा एक नई ही प्राकृतिक आपदा की तैयारी में था। 19 फरवरी 2018 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सिनाबांग ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा और इसकी वजह से आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचा धुएं का गुबार फैल गया। इस ज्वालामुखी की वजह से जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर धुएं के गुबार की वजह से 5 शहरों में अंधेरा छा गया और आवाजाही ठप पड़ गई। अब तक जो मैंने आपको बताया है वो इसके सामने कुछ नहीं है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आप सब में से ज्यादातर लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप का नाम सुना होगा, पर बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस द्वीप के टुकड़े होने जा रहे हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक ऐसा दरार है जो 2200 किलोमीटर तक फैला है। ये दरार कई देशों जैसे कि इथोपिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक से होकर गुजरता है। इस दरार को ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट कहा जाता है, जो ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका को अलग करता है। ये दरार हर साल 5 से 6 मीटर बड़ा हो जाता है और कहीं कहीं इसकी गहराई 66 फीट से भी ज्यादा है। इस दरार के फैलने की वजह से कई गांव के लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। फरवरी 2018 में ये दरार माई माहियू नारक रोड तक पहुंच गया, जो केन्या की मुख्य सड़क है। इस दरार को अस्थायी रूप से भरने की कोशिश भी की गई ताकि आवाजाही में बाधा ना आए, पर यह एक ऐसी चीज है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। आने वाले सालों में यह दरार और भी बढ़ेगी और यह दरार अफ्रीकन प्लेट को 2 टुकड़ों में बांट देगी, जिसे अब न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट कहा जाता है। आगे आने वाले 10 मिलियन साल में ये 2 अलग अलग महाद्वीप बन जाएंगे और बीच में समुद्र अपनी जगह बना लेगा। इन सब घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी अब इंसानों की कारस्तानी अब और नहीं झेल सकता और अगर हम वक्त रहते नहीं संभले तो शायद पृथ्वी तो रहेगी पर मनुष्य का नामो निशान नहीं रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।